फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करने वाले हैं, व्हेन द सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू UVL दैट इज द यूनिफॉर्म वेरिएबल लोड, मतलब अगर आपका जो सिंपली सपोर्टेड बीम है अगर उस पर आपका UVL अप्लाई होता है यूनिफॉर्म वेरिएबल लोड, तो उस कंडीशंस पे उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा इसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने देखिए फ्रेंड्स जो बात किया हुआ था, वो सिंपली सपोर्टेड बीम अगर UDL पे चल रहा है मतलब उस पे अगर आपका UDL लग रहा है तो उस कंडीशन पे आपका क्या बनेगा, उस चीज को हम लोग देख रहे थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कहानी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास जो सिंपली सपोर्टेड बीम जो सब्जेक्टेड टू UVL थ्रू आउट इट्स लेंथ। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये मान लीजिए हमारे पास, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं इधर, ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक हमने सपोर्ट ले लिया है दिस इज द हिल सपोर्ट, और एक मान लीजिए हमारे पास ये है दैट इज द रोलर सपोर्ट, और यहां पर हमारे पास UVL दैट इज द यूनिफॉर्म वेरिएबल लोड। तो यहां पर यूनिफॉर्म वेरिएबल लोड में हमने क्या ले लिया है, इस तरीके से आपको याद होगा हमने ये केस कैंटिलीवर बीम पे भी किया हुआ है। तो इस तरीके से इस पे क्या है, लोड एक्ट कर रहा है, ये आपको ट्राइंगुलर फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, UDL जो होता है वो आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये डायग्राम पे यहां आप देखोगे तो यहां पर जीरो इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी राइट साइड है, तो आप यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां और जीरो इंटेंसिटी लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर हम लोग दो पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास पॉइंट ए और ये हमारे पास पॉइंट बी है। इसका मुझे यहां पर फ्रेंड्स जो ड्रॉ करना है वो मुझे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। अक्सर लोग UVL वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता है, ये सब प्रॉब्लम होता है, ठीक है। फ्रेंड्स आप मेरे साथ आधे घंटे वीडियो में बने रहिए, इस पे मैं आपको तीन चार केस कराने वाला हूं कंटिन्यूअसली, आपको पूरे के पूरे चीजें और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं उस पे, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या क्या चीजें हमको दिखेगी। सबसे पहला चीज तो देखिए, ये जो हमारे पास आया हुआ है इसका शियर फोर्स ड्रॉ करना है। शियर फोर्स के लिए डेफिनेटली हमको पता है कि रिएक्शन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस निकालते हैं। रिएक्शंस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर मान लीजिए जो रिएक्शन है हमारे पास वो आर ए रिएक्शन है, यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं हमारे पास आर बी का रिएक्शन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको क्या है, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो टोटल आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, अच्छा इसका थ्रू आउट द लेंथ हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि इसका जो लेंथ है वो लेंथ हम लोग कितना, अगेन वही आपका लेंथ कितना रहेगा, एल ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ आपसे, आर ए प्लस आर बी, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, एरिया, एरिया आपको क्या होगा, दिस इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, बेस इनटू हाइट, तो ये आपको मिलेगा एल और ये आपको क्या मिलेगा डब्ल्यू। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे यहां पर तो ये आपको दिखेगा आर ए प्लस आर ऑफ बी विच इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू। कहानी कुछ समझ में आया, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू। अब आपको क्या करना है, डेफिनेटली आर ए प्लस आर बी रिएक्शन लेना है, तो डेफिनेटली ए पर भी मोमेंट जीरो है, बी पर भी मोमेंट जीरो है, किसी भी एक पॉइंट पे आप मोमेंट कंसिडर कर लो, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर तो लेट अस कंसिडर मोमेंट पॉइंट अबाउट ए जो है ये हमने यहां पर ले लिया है जीरो। तो जब आप जीरो ले लोगे यहां पर तो बताओ क्या क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं। तो पहला चीज आरबी इंटू एल, ये अगर आप देखोगे तो यहां पर हमने क्या लिखा, आरबी इंटू एल, ठीक है। डाउनवर्ड फोर्स में आ रहा है माइनस ऑफ, डाउनवर्ड फोर्स कितना है टोटल मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये पूरा आपका एक पॉइंट लोड की तरह एक्ट करेगा, और पॉइंट लोड कहां पर एक्ट करेगा, यहां पे देखोगे तो एक आपका पॉइंट लोड बनेगा, और इसका पॉइंट लोड मान लीजिए कि सपोज इस पॉइंट पर कहीं एक्ट करेगा तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना होगा, ये तो हम लोग निकाल चुके हैं, इसका एरिया कितना आएगा, हाफ डब्ल्यू एल। तो यहां पर ये जो आपका एक्ट करेगा दिस इज द हाफ डब्ल्यू एल, ठीक है, और ये जो आपका एक्ट करेगा ये डिस्टेंस हमारे पास कितना दिख रहा है, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारे पास कितना दिख रहा है बताइए, ये यहां पर ये जो हमारे पास डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू कितना होगा, दिस इज इक्वल टू टू एल बाई थ्री, ठीक है।
तो ये वाला डिस्टेंस हमको कितना दिखेगा, दिस इज इक्वल टू एल बाई थ्री। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो हाफ डब्ल्यू एल, ये आरबी इंटू एल तो आपका हो चुका है माइनस हाफ डब्ल्यू एल, तो यहां पर हमने लिख दिया हाफ डब्ल्यू एल, डिस्टेंस आपको क्या मिलेगा विच इज इक्वल टू टू एल बाई थ्री, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया विच इज इक्वल टू टू एल बाई थ्री इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करते हैं यहां पर तो फाइनली आर बी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, देखो 2 से 2 की कहानी खत्म है, तो यहां पर आप देखोगे तो डब्ल्यू एल बाई थ्री, एक एल भी खत्म है यहां पर। ठीक है, तो फाइनली आपको जो मिला वो आपको आर बी मिला है, और आर बी आपको कितना मिला है डब्ल्यू एल बाई थ्री। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो आर ए की वैल्यू कितना मिलेगा एंड आर ए, तो आर ए इक्वल टू यहां से देखो डब्ल्यू एल बाई टू माइनस ऑफ आर बी हो जाएगा विच इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई थ्री। जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको कितना मिलेगा विच इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई सिक्स, थ्री माइनस टू वन बाई सिक्स। ठीक है, तो ये जो आपको मिला, तो ये आपको मिला आर ए की वैल्यू। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो आर ए और आर बी में मुझे रिएक्शन मिल चुका है। सबसे बड़ा मोटो तो पहले यही था कि यहां पर हम लोग इस रिएक्शन को फाइंड आउट करें। ठीक है, तो आर ए और आर बी की कहानी आपको क्लियर है यहां तक। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा कि आर ए की वैल्यू कितनी मिली हुई है डब्ल्यू एल बाई सिक्स, ये हमको मिला है। आर बी की वैल्यू कितनी मिली है डब्ल्यू एल बाई थ्री, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं क्या डब्ल्यू एल बाई थ्री। ठीक है, अब मुझे फ्रेंड्स यहां पे क्या है शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। तो शियर फोर्स के लिए आइए हम लोग देखते हैं। तो शियर फोर्स हमारा अलग अलग पॉइंट पे ड्रॉ तो हो सकता है ना, शियर फोर्स की बात करें तो शियर फोर्स हमारा क्या है अलग अलग पॉइंट पे ड्रॉ हो जाएगा। तो यहां पे आप देखिए, तो सबसे पहला मैं शियर फोर्स निकाल लेते हैं, रिएक्शन निकालिए। रिएक्शन आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा आर बी, ये जो आपका शियर फोर्स पॉइंट बी पर निकालते हैं, जो आपको शियर फोर्स है वो शियर फोर्स पॉइंट बी पर निकलेगा। कितना निकलेगा रिएक्शन देख लो, डब्ल्यू एल बाई थ्री। माइनस लोगे कि प्लस लोगे, देखो डाउनवर्ड को हम लोग पॉजिटिव लेते थे तो माइनस डब्ल्यू एल बाई थ्री हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा माइनस ऑफ डब्ल्यू एल बाई थ्री। कहानी क्लियर है, ये शियर फोर्स कहां मिला आपको, बी पर मिला है। शियर फोर्स ए पर अगर हमसे बोलेगा तो देखो बीच में तो आपका क्या यूवीएल है, तो सीधा आप ए पर आ जाइए, शियर फोर्स ए पर निकालोगे तो क्या मिलेगा, तो सीधा सीधा ए पर आप जो रिएक्शंस लिखे हो वो आप रिएक्शन को लिख लीजिए, कितना आ रहा है डब्ल्यू एल बाई सिक्स, और ये आपका कैसा लग रहा है, तो डेफिनेटली ये आप डब्ल्यू एल बाई सिक्स डायरेक्ट यहां से चलोगे तो भी आपको वही वैल्यू मिलना है, यहां से आओगे तो भी मिलेगा वही सेम वैल्यू। तो यहां से आपका कोई फोर्स नहीं है तो डब्ल्यू एल बाई सिक्स हो जाएगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव। तो यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा प्लस डब्ल्यू एल बाई सिक्स। ठीक है, आप चाहो तो यहां से भी चीजों को सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, यहां पर डब्ल्यू एल बाई थ्री माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, खत्म है कहानी। डब्ल्यू एल बाई थ्री यहां पे करोगे माइनस डब्ल्यू एल बाई टू करोगे, खत्म है। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें आपको समझ में आई, डब्ल्यू एल बाई थ्री और माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, तो आपको शियर फोर्स मिलेगा। तो इसको आप क्या रखोगे, इसको आप रखोगे निगेटिव, इसको आप रखोगे पॉजिटिव, चीजें वही है। तो शियर फोर्स मुझे फाइनली बी पर भी मिल चुका है और मुझे ए पर भी मिल चुका है। तो यहां पर शियर फोर्स हमको ए और बी पे मिल चुका है। तो चलिए आते हैं हम लोग शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने यहां पर। तो ये मेरे पास एक रेफरेंस लाइन आ गई, ठीक है, और इस रेफरेंस लाइन पर मैंने दो पॉइंट कंसीडर कर लिया है ए और बी के साथ। और यहां पे अगर हम लोग बात करें तो बी पर आपको मिल रहा है माइनस डब्ल्यू एल बाई थ्री, ए पर मिल रहा है प्लस डब्ल्यू एल बाई सिक्स। तो अब वैल्यू को देखते जाइए, एक आपका माइनस में, अच्छा दोनों में से बड़ा कौन है, डेफिनेटली माइनस डब्ल्यू एल बाई थ्री बड़ा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपको थोड़ा ज्यादा नीचे आएगा। ठीक है, थोड़ा सा हमारे पास नीचे की जगह का कमी है, तो थोड़ा सा मैं इस लाइन को ऊपर बना देता हूं। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट ए और ये मेरे पास पॉइंट बी। हाँ, अब मुझे यहां माइनस डब्ल्यू एल बाई थ्री को रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर आप देखिए, तो यहां पर हमारा एक्ट हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एल बाई थ्री, ये ठीक है। अच्छा, यहां पर हमारा क्या है डब्ल्यू एल बाई सिक्स, तो ये हमारे पास डब्ल्यू एल बाई सिक्स है। ये जो मैग्नीट्यूड है ये आपको कितना मिल रहा है डब्ल्यू एल बाई सिक्स, और ये जो आपको मिल रहा है माइनस, तो मिल ही रहा है डब्ल्यू एल बाई थ्री। बस अब आपको क्या करना है, मिला देना है। तो कैसा मिला दे, डायरेक्ट यहां स्ट्रेट लाइन खींच दूं। अगर आपको पता हो कि जो हमारा यूवीएल होता है, यूवीएल में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन आपको कैसा दिखता है, ठीक है, तो ये याद रखिए। ये हमने कैंटिलीवर बीम में भी प्रूफ कर चुका है हमने, मैं आपको बोला था कि इसको याद रख लीजिएगा।
जो UVL होता है इसमें हमारा जो शियर फोर्स का वेरिएशन होता है, ये हमारा वेरिएशन कैसा होता है? पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक वेरिएशन मिलेगा मतलब एक्स स्क्वायर, और अगर शियर फोर्स पैराबोलिक है तो डेफिनेटली बेंडिंग मोमेंट एक ऑर्डर आपको ऊपर मिलता है, दैट इज द हाइपरबोलिक। ठीक है, और हाइपरबोलिक मिलेगा तो ये आपको क्या मिलेगा? एक्स क्यूब मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास शियर फोर्स मिलेगा, दिस इज द एक्स स्क्वायर, और एक हमको मिल रहा है हाइपरबोलिक, वो आपको क्या मिल रहा है? एक्स क्यूब मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई। तो अब आपको देखिए यहाँ पे करना क्या है, मतलब ये जो हमारे पास पॉइंट ए आया हुआ है शियर फोर्स के लिए पॉइंट ए, और ये जो हमको मिला है पॉइंट बी, इस पे मुझे क्या है? शियर फोर्स ड्रॉ करना है। अब बताओ कैसा ड्रॉ करूं? पैराबोलिक आएगा, खुशी की बात है पैराबोलिक आ रहा है, लेकिन ऑर्डर, अब पैराबोलिक में आपको अगेन आपको पता हो कि इंक्रीजिंग स्लोप और डिक्रीजिंग स्लोप दोनों आते हैं, तो किस कंडीशंस को लेना बेटर है? तो यहां पर अगर आप स्लोप को देखोगे तो ये आपका जो स्लोप है किस पे डिपेंड करेगा? शियर फोर्स है, तो लोडिंग डायग्राम पे डिपेंड करेगा। लोडिंग डायग्राम में मैग्नीट्यूड आपका क्या है? बढ़ते जा रहे हैं। लोडिंग डायग्राम में मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है ना, जब लोड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ जो स्लोप आएगा वो कैसा स्लोप आएगा? तो यहाँ पर इंक्रीजिंग स्लोप आएगा। अब इंक्रीजिंग स्लोप जाना है मतलब ए बी के साथ हमको क्या करना है? इंक्रीजिंग स्लोप की तरफ मूव करना है। तो मान लीजिए कि सपोज इसका अगर मान लीजिए सेंटर पॉइंट हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये छोटा है मतलब ये क्या आएगा? इसी साइड आएगा, और ये पॉइंट आपको बड़ा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्लोप को लेकर, तो ये स्लोप आपको कैसा मिलेगा? ये स्लोप आपको स्ट्रेट लाइन नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, ये आपको जो मिलेगा स्लोप ये इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक सिंगल लाइन में खींच के दिखाना चाहूं, इस तरीके से। ठीक है, ये ठीक है, और अगर आप स्लोप है, स्ट्रेट लाइन नहीं है ध्यान रखिएगा, और अगर आप स्लोप यहां पर देखना चाहते हो तो देखो स्लोप कैसा दिखेगा। एक ये पॉजिटिव इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है, देखो स्लोप आपका कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, देख रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये जो आपका स्लोप है ये आपका बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिला के ये जो आपका पॉइंट बी है ना, ये पूरा यहां तक आने के बाद नीचे आपका टच करेगा ये वाला। ठीक है, माइनस WL बाई 3, और ये आपको क्या मिल रहा है? WL बाई 6। तो ध्यान रखना ये सेंटर पॉइंट है तो सेंटर से बिफोर ही आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो आपका सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट से बिफोर आएगा, दिस इज द पॉइंट सी। ठीक है, बोलोगे तो और थोड़ा सा नजदीकी कर देते हैं, चलो इसी को रहने दो, नहीं तो और ज्यादा आपका नीचे खींचेगा लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बना है फ्रेंड्स, ये हमारे पास दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम, और शियर फोर्स डायग्राम अगर आप देखोगे तो यहां पर जो आपको वैल्यू दिख रही है, यहां पर ये जो आपकी वैल्यू मिली ये आपको मिली है पॉजिटिव, और यहां पर ये जो आपको वैल्यू मिला है ये आपको क्या मिला हुआ है? निगेटिव। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, और ये जो हमको मिला है ये हमको निगेटिव वैल्यू मिला है। ठीक है, स्लोप भी हम लोग देख चुके हैं कि ये आपका स्लोप आपका इंक्रीजिंग स्लोप है, पैराबोलिक शेप होगा। देख लो ये आपका जो स्लोप है ये आपका क्या है? एक्स स्क्वायर है। ठीक है, पैराबोलिक क्यों? क्योंकि लोडिंग डायग्राम आपका क्या है? बढ़ते जा रहा है, तो ये अगर आप देखोगे तो इंक्रीजिंग स्लोप है। ठीक है, इंक्रीजिंग स्लोप है शियर फोर्स के लिए। अब मुझे यहां पर फ्रेंड्स क्या करना है? बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है। बेंडिंग मोमेंट हमारा कैसा ड्रॉ होगा? दूसरा चीज, बेंडिंग मोमेंट जब ड्रॉ होगा तो सबसे पहले तो हम लोग बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर कि बेंडिंग मोमेंट की क्या कहानी आ रही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इसमें हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना निकल कर आएगा। तो नेक्स्ट मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ दैट इज द फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट पे अगर हम लोग देखें तो क्या चीजें दिख सकती है? आप अलग अलग पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालिए। ठीक है, हम लोग निकालते हैं बी पर बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, ए पर निकालते हैं, और देखते हैं क्या मिलेगा। तो यहां पे अगर आप सिनारियो देखोगे तो आपको बेंडिंग मोमेंट जो आपको दिख रहा है यहां पर, सबसे पहली बात बी पे तो कोई आपका मोमेंट आ नहीं रहा है, तो यहां पर आप मोमेंट कर लो, मोमेंट अबाउट बी आपको मिल जाएगा, तो मोमेंट अबाउट बी आपको क्या मिलेगा? जीरो। ठीक है, दूसरा चीज, मोमेंट अबाउट ए की बात होगी तो ए भी आपको कितना मिल रहा है? जीरो। तो मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो, मतलब यहां पर जो मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, आप एक चीज देख सकते हो यहां पर कि ये जो बेंडिंग मोमेंट हमारे पास है वो बी पर भी जीरो और ए पर भी जीरो है। तो यहां पर तो सबसे पहले हम लोग एक रिफरेंस लाइन लेते हैं, ये लीजिए, ये हमने रिफरेंस लाइन दिया ए और बी पर, यहां पर बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है, और हम ये देख रहे हैं क्या कि आपका पॉइंट ए पर भी आपकी बेंडिंग मोमेंट जीरो है,
और बी पर भी आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो है, अब बताओ। ठीक है, अब मुझे वेरिएशन कैसा आता है, बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन आपको मिलेगा हाइपरबोलिक वेरिएशन। बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसा मिल रहा है, हाइपरबोलिक वेरिएशन। तो ये जो आपका वेरिएशन है, इस वेरिएशन को हम लोग यहां पर देखते हैं कि ये जो आपका है पैराबोलिक है, तो इस पे अगर मैं हाइपरबोलिक की तरफ मूव करता हूं तो क्या मिलेगा। दूसरा चीज, ए और बी तो आपका जीरो है लेकिन बीच में आपका हाइपरबोलिक तो आएगा, लेकिन मैक्सिमम कहां पर मिलेगा, ये मुद्दे की बात है। अगर आप मैक्सिमम देखोगे तो इसके पिछले वाले केस में आपका यूडीएल था, और यूडीएल में अगर हम लोग देख रहे थे तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिला था, लेकिन यहां पर कहानी अगर आप देखोगे तो ये आपका जो सी पॉइंट है ना, ये क्या है आपका सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट पे क्या आपको मैक्सिमम मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये हमको पता ही क्या, जहां पर शियर फोर्स जीरो होता है वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, ये हमको पता है। शियर फोर्स आपका सेंटर पे जीरो नहीं है, शियर फोर्स सेंटर से पहले जीरो है, तो डेफिनेटली यहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। आपके पास अब मुझे निकालना यह है कि भैया बेंडिंग मोमेंट कितने डिस्टेंस पे जीरो होगा, और जितने डिस्टेंस पे, सॉरी, बेंडिंग मोमेंट कितने डिस्टेंस पे मैक्सिमम होगा, और जो मैक्सिमम होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। दो तरीका निकालने का, अगेन एक्स एक्स सेक्शन आपको कंसिडर करना पड़ेगा। एक्स एक्स सेक्शन लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, आप या तो शियर फोर्स का इक्वेशन निकाल के इक्वल टू जीरो रख देना, क्योंकि शियर फोर्स जीरो रखोगे तो एक्स का जो डिस्टेंस आएगा वहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है पता है, या बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन निकाल के डिफरेंशिएट और इक्वल टू जीरो। नहीं समझ में आया, कर रहा हूं अभी, देखिए क्या बता रहे हैं कि सबसे पहला चीज यहां पर आप एक्स एक्स सेक्शन को कंसिडर करिए। ठीक है, करते हैं हम लोग। एक्स एक्स सेक्शन लोगे तो ये वक्त मान लेते हैं कहां से डिस्टेंस लोगे, ए से लोगे कि बी से लोगे एक्स डिस्टेंस। अगर आप देखिए बी से लेंगे ना तो यहां पर ट्राइंगल नहीं बन रहा है, एरिया निकालना बड़ा दुखदायी हो जाएगा, तो बेटर है कि यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग एक्स एक्स सेक्शन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक्स एक्स सेक्शन है, और ये जो हमारे पास एक्स एक्स सेक्शन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना एक्स डिस्टेंस है, मतलब ये एक्स एक्स डिस्टेंस पे अगर हम लोग देखें एक्स एक्स सेक्शन लिए हैं, जो कि हमारा क्या है, जो ट्राइंगुलर बन रहा है ना वहां से हम लोग एक्स डिस्टेंस पे इस चीज को कंसिडर करते हैं। तो अभी देखिए कहानी क्या होगा कि ये जो हमारा एक्स एक्स पे बना हुआ है, तो अब हम लोग क्या इसे एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट देख लेते हैं। तो आगे की सिनारियो क्या होगी आपकी, तो एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट अगर मैं देखूं यहां पर, तो सबसे पहला चीज इस ट्राइंगल का एक आप क्या है, एक यूनिफॉर्म फोर्स, मतलब एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करिए, तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे तो डेफिनेटली ट्राइंगुलर है, तो इसका सेंट्रॉइड यहां पर कहीं आएगा। तो ये जो आपका सेंट्रॉइड, ये वाला पॉइंट अगर आता है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, हाफ डब्लू इंटू एक्स, यही तो होगा हाफ डब्लू एक्स, यही तो होगा। अच्छा, इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका जो है, तो ये आपका डिस्टेंस कितना होगा, 2x/3। ये जो आपका डिस्टेंस अगर आप यहां से देखोगे तो ये डिस्टेंस आपको कितना एक्ट कर रहा है, ये जो आपको डिस्टेंस है यहां पर, ये डिस्टेंस आपको कितना एक्ट कर रहा है, दिस इज 2x/3। कहानी कुछ समझ में आया, और मैग्नीट्यूड कितना लग रहा है इसको, ये आपको लग रहा है हाफ डब्लू एक्स। तो अब आप यहां पे क्या है, मोमेंट की कहानी को कंसिडर कर सकते हो, और मोमेंट की कहानी कंसिडर अगर हमको करना है तो देखिए यहां पर अब आपका जो एक्स एक्स सेक्शन लेंगे तो देखते हैं हम लोग कि शियर फोर्स हमारा एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट आपको क्या मिलेगा। तो चलिए यहां पे हम लोग अब क्या कर रहे हैं, शियर फोर्स हम लोग एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट ले रहे हैं, दिस इज द डब्ल्यू एल बाई थ्री आपका हुआ था। तो अब मैं यहां पर शियर फोर्स निकालना चाह रहा हूं एक्स एक्स सेक्शन को लेकर, तो एक्स एक्स सेक्शन के साथ क्या चीजें होंगी, अब देखिए यहां पर सबसे बड़ा मुद्दे की बात यह है कि ये जो हमारा एक्स एक्स सेक्शन है, तो अब हमको क्या है, इस ट्रायंगुलर पे फोकस करना है। इस ट्रायंगुलर पे अगर आप बात करोगे तो देखो ये आपको क्या लोडिंग दिख रहा है, ठीक है, ये आप जो लोडिंग ले रहे हैं तो ये तो आपका कंप्लीट डब्ल्यू है, तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको डब्ल्यू ऑफ एक्स ले लेते हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहां पर जो ट्रायंगुलर का एरिया क्या होगा, हाफ डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स, तो ये जो एक्स मैंने लिखा है ये सफिक्स में लिखा है, ठीक है, हाफ डब्ल्यू इंटू एक्स, डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स, तो डब्ल्यू एक्स ये है। अब आपको यहां पर डब्ल्यू एक्स का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ये आपका जो ट्राइंगुलर है सिमिलर ट्राइंगल है, तो सिमिलर ट्राइंगल है, तो देखिए हमको करना क्या है, मैं एक्स सेक्शन के अबाउट आपको शियर फोर्स निकाल रहा हूं, बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूं, क्या सिनारियो होगा इस पे, या तो आप शियर फोर्स का इक्वेशन निकाल के जीरो कर दो तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि शियर फोर्स जीरो कहां पर मिल रहा है। दूसरा चीज, जहां पर शियर फोर्स जीरो होता है वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, तो बेंडिंग मोमेंट का आप इक्वेशन निकालिए और उसको आप डिफरेंशिएट और इक्वल टू जीरो कर दीजिए तो वो आपको मिल जाएगा।
नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वही कहानी जस्ट मैं अभी कर रहा हूं। तो शेयर फोर्स अगर मैं एक्स एक्स के अमाउंट लेता हूं तो मुझे क्या चीजें मिलेंगी, तो सबसे पहले तो डब्ल्यू एक्स को हम लोग क्या है रिप्लेस कर देते हैं, जो हमारे पास डब्ल्यू का फॉर्म है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, देखो डब्ल्यू एक्स सिमिलर ट्राइंगल डब्ल्यू ऑफ एक्स, ये सफिक्स में है, डब्ल्यू ऑफ एक्स डिवाइड बाई डब्ल्यू इक्वल टू आपको क्या मिलेगा एक्स डिवाइड बाई एल, यही तो मिलेगा। तो यहां से अगर मान लीजिए मैं डब्ल्यू ऑफ एक्स निकालता हूं तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा डब्ल्यू एक्स बाई एल। कहानी कुछ समझ में आया, तो ये जो आपको डब्ल्यू एक्स मिलेगा ये डब्ल्यू एक्स आपको कितना मिलेगा डब्ल्यू एक्स बाई एल। तो ये जो आप वैल्यू है इस वैल्यू को उठा के अगर आप यहां पे रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो हाफ तो आपको मिल रही है, डब्ल्यू एक्स की वैल्यू आपने क्या रखा है डब्ल्यू एक्स बाई एल, तो ये हमने रखा है डब्ल्यू एक्स बाई एल, ठीक है, इनटू आपको क्या मिल गया यहां पर ये आपको मिला x, तो कुल मिला के डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई एल मिला हुआ है हाफ जो मिला है। तो यहां पर देखिए शियर फोर्स हम लोग x x सेक्शन के अबाउट ले रहे हैं, क्या कर सकते हैं, तो ये आपका डब्ल्यू एल बाई सिक्स आर ए, मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं आर ए माइनस डाउनवर्ड फोर्स में आप क्या है ये आपका जो यूवीएल है उसको आप फाइनली एक सिंगल लोड में कन्वर्ट किए हो, क्या कन्वर्ट किए हो, देखो ये आपको आया हुआ है हाफ, ठीक है, यहां आप देखोगे तो डब्ल्यू एक्स बाई एल डब्ल्यू एक्स बाई एल इंटू आपको क्या मिलेगा एक्स मिलेगा। कहानी कुछ समझ में आया, इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो आपको आर ए है आर ए की वैल्यू रखते हैं यहां पे, तो जो आपको शियर फोर्स मिलेगा एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट, शियर फोर्स अबाउट एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट, तो आर ए की वैल्यू क्या है डब्ल्यू एल बाई सिक्स, तो यहां पर हमने लिख दिया डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू एल, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखते हैं सिंप्लीफाई करते हैं क्या मिलेगा, अब आपको देखो ये आपको आइडेंटिफाई करना है, देखो ये हमारे पास जो आया हुआ है ये शियर फोर्स हमारा एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट आ चुका है, मतलब अगर आपसे कोई बोले कि इस डायग्राम में कहीं भी अगर आपको शियर फोर्स निकालना हो, अभी तो आपको ए और बी पर ही मैग्नीट्यूड पता है, इस पॉइंट पे कहीं भी पता नहीं है, आपको जिस डिस्टेंस पे बोले ना एक्स की वैल्यू आप ए पॉइंट से लिए हो तो यहां से आप नाप के एक्स की वैल्यू को उतना रख दीजिएगा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड शियर फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। कहानी समझ में आया, तो यहां से आप स्ट्रेट जो शियर फोर्स है वो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अभी हमको जैसे निकालना है कि शियर फोर्स जीरो कहां पर है, तो इस इक्वेशन में ही इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं शियर फोर्स जीरो वहीं पर आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा, तो शियर फोर्स की वैल्यू हम लोग रख देते हैं जीरो, तो जीरो इक्वल टू आपको क्या मिलेगा ये आपको मिलेगा डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस ये आपको क्या मिलेगा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ एल, यही मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा दिस इज द डब्ल्यू एल बाई सिक्स विच इज इक्वल टू ये आपको मिलेगा क्या डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ एल, यही तो मिलेगा। सिंप्लीफाई करिए, देखिए टू थ्री जा सिक्स, तो यहां पर मुझे x की वैल्यू जो निकालनी है, देखो w से w की कहानी खत्म है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा क्या x स्क्वायर इक्वल टू ये आपको मिलेगा l स्क्वायर बाई थ्री, फाइनली मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू क्या मिलेगा l बाई अंडर रूट थ्री, ये हमको फाइनली मिला x की वैल्यू। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है ना कि ये जो आपका शियर फोर्स जीरो कहां पर होगा, तो डेफिनेटली एल बाई रूट थ्री एल बाई टू से आपका कम ही पड़ेगा, तो ये वाला जो हमको डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमको कितना मिलेगा विच इज इक्वल टू एल बाई रूट थ्री। कहानी समझ में आया, क्या मिल रहा है एल बाई रूट थ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना, मतलब इस पॉइंट पे जाके आपका शियर फोर्स क्या है जीरो, तो डेफिनेटली इस पॉइंट पर आपको बेंडिंग मोमेंट क्या मिलेगा मैक्सिमम। तो अभी आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ भी करना चाहते हो ना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रॉ कर सकते हो, ए पॉइंट पे जीरो है बी पॉइंट पे जीरो है, इस पॉइंट पर जहां शियर फोर्स जीरो है वहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है और मैक्सिमम है तो वो आपका यहां से ड्रॉ होगा, ठीक है। अदरवाइज दूसरा चीज हम लोग देख सकते हैं, हम लोग बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन निकाल कर भी देखेंगे तो हमको एक्स की वैल्यू इतना ही आएगा, कैसे देखते हैं। यहां पर अभी मैं क्या है बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूं एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स, तो क्या आएगा एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट बताइए, यहां पर मैं इस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट ले रहा हूं आर ए इंटू एक्स और माइनस ये आपका जो फोर्स है इंटू टू एक्स बाई थ्री, ठीक है। तो आर ए इंटू एक्स, तो बेंडिंग मोमेंट अगर यहां पे आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू आर ए इंटू एक्स, ये तो हमको मिला, ठीक है। माइनस क्या मिलेगा आपको
फोर्स कितना आपको जो UVL है वो कन्वर्ट हो गया है, वो हाफ डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई एल। तो यहां पर हमने लिखा है हाफ डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई एल। एक कहानी समझ में आया। तो ये फोर्स डिस्टेंस कितना है विच इज इक्वल टू टू एक्स बाई थ्री। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ये आपको क्या मिलेगा, टू एक्स बाई थ्री। कहानी खुद समझ में आया, चीजें क्लियर हुई, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पे अगर जैसे हम लोग बेंडिंग मोमेंट को लेकर बात करें तो यहां पे ये हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट मिला हुआ है वो आपको एक्स एक्स एक्शन के अबाउट, अच्छा आरए की वैल्यू रखते हैं कितना है डब्ल्यू एल बाई सिक्स। तो यहां पर हम लोग क्या रखें, डब्ल्यू एल बाई सिक्स इंटू एक्स माइनस, इसको सिंप्लीफाई करिए, टू से टू की कहानी खत्म है। यहां पर आपको क्या मिल रहा है, डब्ल्यू एक्स क्यू डिवाइड बाई थ्राइस ऑफ एल। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो हमारे पास आया है बेंडिंग मोमेंट आया है, ठीक है, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा डी एम बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू जीरो, डी एम बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू जीरो। तो इसको आप क्या करिए, एक्स के फॉर्म में डिफरेंशिएट करिए, ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस, ये आपको क्या मिलेगा, थ्री टाइम्स ऑफ डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या मिलेगा, थ्राइस ऑफ एल। ठीक है, यही तो मिलेगा, थ्री टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई थ्राइस ऑफ एल। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई में क्या होगा, थ्री से थ्री की कहानी खत्म है। यहाँ पे ये जब आप देखो तो थ्री से थ्री की कहानी खत्म है, डब्ल्यू से डब्ल्यू की कहानी भी खत्म है। तो यहां पर कुल मिला के अगर आप देखोगे तो आपको वैल्यू क्या दिखेगी, अच्छा यहाँ पे हाफ छूट गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये हाफ है। तो ये आपका जो पोर्शन है यहां से आपका हाफ आएगा, टू थ्री जा सिक्स। तो ये देखो एक्स, एक्स की वैल्यू इक्वल टू आपको क्या मिलेगी, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है एल स्क्वायर बाई थ्री। तो यहां से फाइनली एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, विच इज इक्वल टू एल बाई रूट थ्री। देख लो ये आपका दिखाई रहा है कि ये जो आपका x इक्वल टू एल बाई रूट थ्री है, यहां पर आपको शेयर फोर्स जो आपको बेंडिंग मोमेंट आपको मैक्सिमम मिल रहा है, यही तो हमने लिखा है, देखो फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, यही सेम वैल्यू आपको मिलेगा। तो कुल मिला के आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि ये जो हमारा पोजिशन है यहां पर आपको मिलेगा, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लोकेशन है ये, ठीक है, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब बोलोगे कितना होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो x इक्वल टू एल बाई रूट थ्री यहां रख देते हैं, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है, आपको मिल जाएगा कितना निकालना है। समझ में आ रहा है, मतलब यहां पर मैं अगर x की वैल्यू l बाई रूट थ्री रख दूं तो ये मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। तो चलिए यहां से हम लोग एक बार इसको रफ करके रख देते हैं। तो यहां पर अगर मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रखना चाहूं, ठीक है, एट x इक्वल टू कितना आ रहा है, l बाई रूट थ्री, ठीक है, तो x l इक्वल टू रूट थ्री पे अगर ये बेंडिंग मोमेंट देखना चाहूं तो कितना आएगा, तो ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट जो हमको मिलेगा विच इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई सिक्स इंटू एक्स, डब्ल्यू एल बाई सिक्स इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगा, l बाई रूट थ्री, ठीक है, माइनस यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा वन बाई टू और डब्ल्यू एक्स क्यू बाई थ्री एल। तो w बाई थ्री एल तो पहले लिख लेते हैं और ये x क्यूब है तो l बाई रूट थ्री का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जो भी वैल्यू आएगा देखते हैं, हम लोग निकालते हैं वैल्यू को। तो इसको हम लोग समझते हैं क्या कहानी होगी, हमको इतना पता चल चुका है क्या कि a और b पर आपका क्या बेंडिंग मोमेंट जीरो है, और ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं d, ठीक है, जहां पर आपको क्या है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलने वाला है। वेरिएशन कैसा आएगा, हाइपरबोलिक वेरिएशन है, हाइपरबोलिक वेरिएशन है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हाइपरबोलिक वेरिएशन में कैसा होगा, अगर आप a टू d की तरफ जा रहे हैं तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो आपका शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो आपको कम होता हुआ दिख रहा है, मतलब मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर का स्लोप चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर का स्लोप चाहिए तो बताइए यहां से हम लोग कैसा बढ़े, क्या ये सही है, देखो एक बार स्लोप चेक करो, बिल्कुल स्लोप कम हो रहा है। ठीक है, अब आप ये बोलोगे एक्स स्क्वायर है, डेफिनेटली आपका जो हाइपरबोलिक है वो भी आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टीपर ज्यादा बनेगा। ये जो हमारे पास कर्व बना है दिस इज द फॉर एक्स क्यूब, ये जो हमको मिला क्या है, ये एक्स क्यूब के लिए मिला है। अब आप आगे आओ, क्या मिला है, डी टू बी। अब डी टू बी में आपको क्या मिला हुआ है, अब आप अगेन देखोगे तो यहां पर देखो तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, यहां पर भी मैग्नीट्यूड आपका अगेन अब बढ़ना है,
पहले तो मैग्नीट्यूड कम हो रहा था तो डिक्रीजिंग स्लोप था, अब आपको इंक्रीजिंग स्लोप बनाना है हाइपरबोलिक कर्व के साथ और जीरो की तरफ जाना है, तो कहीं ना कहीं ये जो कर्व है ये कर्व आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, आप स्लोप चेक करना चाहते हो कर लो, अगर हमको इच्छा है हमारी स्लोप चेक करने की तो ये लोग कर लेते हैं, देखो इंक्रीजिंग स्लोप है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये भी जो आपका कर्व है ये कर्व आपको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा। तो बोथ आर एक्स क्यूब, बोथ आर हाइपरबोलिक, ध्यान रखना दोनों के दोनों आपके हाइपरबोलिक कर्व है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए, चीजों को अच्छे से समझिएगा। ये हमारे पास एक्स क्यूब है, इसका अगर आप देखोगे तो देखो दोनों के दोनों आपका क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, तो इसका तो कोई रोल है ही नहीं है, तो आपका सेंटर पॉइंट था। ठीक है, तो ये अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भैया ये डिस्टेंस हमको कितना मिला हुआ है, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस हमको कितना मिला हुआ है, एल बाई रूट थ्री। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पे आपको मिला है क्या, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। ध्यान रखना L बाई टू नहीं है। ठीक है, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो बस आपको थोड़ा सा मेहनत करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पर उस वैल्यू को उठा के आप यहाँ पुटअप करिए, तो आपको फाइनली जो भी आपको वैल्यू निकल कर आ रहा है उस वैल्यू को आप यहाँ पे रखेंगे, एल बाई रूट थ्री को जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो करना चाहते हो तो लोग कर लेते, ये आपको आएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स रूट थ्री आ गया। ठीक है, माइनस ये आप देखोगे तो क्या होगा, ये आपका आएगा देखो हाफ, ये आपका रूट थ्री, ये आपका एक एल से तो ये कैंसल है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा क्या, ऊपर तो आपका आना है डब्ल्यू एल स्क्वायर ही, नीचे आपको क्या आना है देखो थ्री थ्री जा नाइन, नाइन टू जा एटीन रूट थ्री, एटीन रूट थ्री। ठीक है, ये आपको आना है, अब सिंप्लीफाई कर लो, देखो रूट थ्री आपका क्या कॉमन ले लो इसमें से डब्ल्यू एल स्क्वायर, तो वन बाई सिक्स माइनस वन बाई एटीन। ठीक है, तो वहां से जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको ये भी लिख दे रहा हूं 18 माइनस 6 दैट इज द 12। ठीक है, तो 12 बाई 18 विच इज इक्वल टू 2 बाई 3, ये आपको वैसा कुछ आना चाहिए वैल्यू 2 बाई 3 रूट 3। ठीक है, डब्ल्यू एल स्क्वायर ये शायद आएगा, देख लेना एक बार, जो भी आपको वैल्यू निकले ये आपको आएगा यहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स कहानी कुछ समझ में आया, ये जो हमारे पास मिला हुआ है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो हमने कंसीडर किया हुआ है ये हमारे पास यूवीएल का केस है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेरिएबल लोड, जहां पर हम लोग क्या है इस तरीके का जो हमको दिख रहा है सिनारियो, इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास केस था, और याद रखिएगा कहीं भी आपको शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट निकालना है किसी लोकेशन पर अगर आपको बोलता है, तो या तो आप सीधा सीधा शियर फोर्स को जीरो कर लो, डेफिनेटली जहां पर शियर फोर्स जीरो होगा या साइन चेंज करेगा वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा। तो दो केस था, या तो हम लोग शियर फोर्स का इक्वेशन निकाल के डायरेक्ट हम लोग जीरो पुट कर दिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पे, या हमने क्या किया है ये बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन निकाल के मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या होता है हमारे पास केस अगर है, तो याद है आपको ये हमारे पास रिलेशन होता है dm by dx which is equal to shear force, और shear force जहां पर जीरो होता है तो ये हमने जीरो कर दिया है, तो यहां पर मोमेंट को हमने क्या x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है, तो भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी। तो क्लियर है फ्रेंड्स, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।